खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है। राजधानी में अब रात 9 बजे से बंद होंगी दुकानें। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, नाइट कर्फ्यू के समय में वृद्धि की गई है। शनिवार रात 9 से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। केमिस्ट, राशन और खान पान की दुकान पर लागू नहीं होगा आदेश। होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक ही हो सकेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। त्योहारों को केवल घर पर रहकर मनाया जा सकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, शनिवार रात 9 से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये गाइडलाइन जारी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, नाइट कर्फ्यू के समय में वृद्धि की गई है। शनिवार रात 9 से सुबह 6 बजे तक, सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। देखिए शिवानी, निश्चित तौर पर ये नई गाइडलाइन आई है, उसमें भारत सरकार के हेल्थ और गृह मंत्रालय का हवाला दिया गया है। और जिसमें क्योंकि खास तौर से चार बड़े त्यौहार आ रहा है, होली है, शबे बारात है, ईस्टर है और ईद उल फितर है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी किया है क्योंकि भोपाल में लगातार कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद ये कहा गया है कि सारे त्यौहार घरों में मनाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर इसके त्यौहारों को मनाई कर दी गई है। सभी धार्मिक स्थल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और जो पहले आदेश थे कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की मनाही कर दी गई है, होम डिलीवरी होगी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से जाने वाले जरूरतमंदों को ही जाने दिया है, खान पान की दुकानें, केमिस्ट की दुकानें खुली रहेंगी। और पहले हमने देखा था कि 10 से 6 बजे तक का ये कर्फ्यू लगाया गया था, अब इसकी अवधि बढ़ाकर 9 से 6 कर दी। इसके साथ ही लॉकडाउन रविवार की बात हुई थी, लेकिन अब इसको त्योहारों के कारण थोड़ी सख्ती बरती गई और शनिवार की रात 9 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा और सोमवार की सुबह 6 बजे तक ये चलेगा। इसके साथ ही जो जिम है, रेस्टोरेंट है, सिनेमाघर है, ये बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जो धार्मिक गतिविधियां है उसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। और जिले में जितने जुलूस है, गेय खासतौर से रंगपंचमी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, भोपाल, इंदौर और मालवा के तमाम सारे शहरों में तो रंगपंचमी के दिन बड़े जुलूस निकलता है, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। जितनी रैली है, यात्रा है, प्रदर्शन है, धरने, इस पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही जो हालों की क्षमता है उसमें 50% लोगों को ही आने दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि ये 50 भी 100 लोगों से ज्यादा इसकी संख्या नहीं होगी। त्योहार लोगों को घर पर मनाना होंगे, शादी ब्याह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ किए जा सकेंगे। उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही डीजे पर रोक लगा दी गई है और जो बैंकुएट हॉल है होटलों के, मेरिज गार्डन है, खुले फार्म हाउस है, यहाँ भी पार्टियों के आयोजन में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो शव यात्रा है उसमें 20 लोगों से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। और उठावना बस्ती भोज में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, लेकिन वो भी संबंधित SDM से अनुमति लेकर। तो कह सकते हैं कि जो पिछले साल जब हम खड़े थे मार्च में, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ था, लगभग जो दिशा निर्देश उस समय जारी हुए थे वही कमोवेश किसी स्थितियों को जारी करना पड़ रहा है। क्योंकि इस बार अब जो है विशेषज्ञ बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई और 100 दिन का पीक है, तो माना जा सकता है कि मई के बाद ये एकदम पीक पर जाएगी 100 दिन के बाद, और उस समय 25 लाख नए मरीज बढ़ सकते हैं। तो उसमें प्रभावी अंकुश के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर राजनीति शुरू हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि वो होली का त्योहार मनाएंगे, हालांकि मुख्यमंत्री कुछ कह चुके हैं कि लोगों की जान बचाना जरूरी है, लॉकडाउन से लोगों को नुकसान होता है, लेकिन जरूरत पड़ी तो आपात धर्म भी निभाएंगे। और इसी को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक अभी शाम को मुख्यमंत्री ने बुलाई है, से लेकर वो बैठक को लेंगे। इसके बाद धर्म गुरुओं से बातचीत होगी और कुछ नए दिशा निर्देश इस संबंध में शाम तक जारी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा, जहां पर राजधानी में अब रात 9 बजे से बंद होंगी दुकानें। साथ ही आज शाम को सीएम शिवराज सिंह चौहान आपात बैठक भी लेने वाले हैं। नाइट कर्फ्यू के समय में वृद्धि की गई है।